हेलो, क्या हुआ है मामा? आप रो रही हैं? मामा बोले ना, क्या बात है? मेरा दिल घबरा रहा है, क्या हुआ है? कुछ नहीं रीता, बस बहुत दिनों बाद तुम्हारी आवाज सुनी तो मेरा दिल भर आया। मैं भी अभी आपको याद कर रही थी। माँ और बेटी का रिश्ता होता ही ऐसा बेटा। आप कुछ परेशान लग रही हैं मामा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बताओ बेटा, क्या हो रहा है? कब आ रही हो तुम मरी से? आज ही आए वापस, माँ जी गिर गई थी। अच्छा, और तुमने मुझे बताया भी नहीं बेटा। माँ ये तो बताने के लिए फोन किया। अच्छा आप बताएं, आप क्यों परेशान हैं? यूं लगता है जैसे मेरे घर की बर्बादी शुरू हो गई है। हल्ला ना करे, कैसी बातें कर रही हैं आप? कभी भाई भाई के सामने खड़ा नहीं हुआ था, कभी घर के मुलाजमों को मशकूक नहीं समझा गया था, कभी माँ और औलाद के दरमियान बदगुमानी पैदा नहीं हुई थी, लेकिन अब सब कुछ हो रहा है जो नहीं हुआ करता था। और ये सब शमीला भाभी की वजह से हो रहा होगा, है ना? आप फाहम भाई से बात क्यों नहीं करती? रिदा क्या बताऊं फाहम को? फाहम और आतिम तो मुकम्मल तौर पर उसकी मुट्ठी में है। अम्मी जी, मैंने ये तो सुना था कि रिदा आपको हम सब के खिलाफ पटियां पढ़ाती, लेकिन आज खुद देख भी लिया। नहीं नहीं बेटा, वो तो मैंने ही रिदा को फोन किया था। अम्मी जी प्लीज, मैं इस बारे में मजीद बात नहीं करना चाहता, और जो बात मैं करने आया था उसका कोई फायदा नहीं। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ?